हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाई फाई स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एक इंपॉर्टेंट खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूं। जैसा कि आपने थंबनेल को रीड किया होगा, देखा होगा, एक बेहद इंपॉर्टेंट नोटिस जारी कर दिया गया है UPSSC के द्वारा। हम देखेंगे, जानेंगे आखिरकार किस भर्ती के संबंध में नोटिस जारी किया गया है UPSSC के द्वारा। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, राइट हैंड साइड पर सब्सक्राइब का लाल बटन दिखा होगा, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लीजिएगा ताकि UPSSC की पल पल की अपडेट आपको सीधे आपके मोबाइल हैंडसेट पर राहुल वाई फाई स्टेशन के माध्यम से पहुंचाया जा सके। तो चलिए बढ़ते खबरों आगे और देखते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस। यहां से देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस जो है होम्योपैथिक फार्मासिस्ट विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2019 के समय में। जैसे हम लोग इसको डाउनलोड करते हैं और रीड करते हैं, यहाँ से यो नोटिस ओपन हो चुकी है ऑन स्क्रीन। आप देख सकते हैं 9 फरवरी की नोटिस है 2021 कार्यालय का। विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2019 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भेजी शिक्षक समान चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 की लिखित परीक्षा के आधार पर अहर्ता यानी DB टेस्ट अवलिखावाद परीक्षा हेतु अहर् पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन के अनुसार उनकी अहर्ता अवलेखाद परीक्षण दिनांक 16 मार्च से किया जाना प्रस्तावित है। है ना, 16 मार्च से आपकी ये परीक्षा निर्धारित की गई है। आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों के अहर्ता अवलिखावाद परीक्षा हेतु बुलावा पत्र यथा समय आयोग की वेबसाइट पर UPSSC.gov.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे। राम नरेश प्रजापति, अनुसचिव UPSSC। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया दिया गया है UPSSC के द्वारा। लगातार आप लोग कमेंट आ रहा था, तो देखिए खुशखबरी आ चुकी है, आप लोग की DB टेस्ट के लिए डॉक्यूमेंट विवेचन के डेट निर्धारित कर दिए गए हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, है ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।